नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। नेशनल हाईवे पर स्थित शिवानिया पब्लिक स्कूल में खंड स्तरीय आतंकरोधी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी सुमित्रा ने देशभक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि खंड उचाना के सभी विद्यालयों को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर सकारात्मक संस्कार डाले। वहीं कार्यक्रम के संयोजक मास्टर राम प्रसाद ने कहा कि युवा पीढ़ी का भटकना देश की बर्बादी का कारण बन सकता है। भारत के युवा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान आतंकवाद ने ही ली थी, तभी से राष्ट्रीय स्तर पर यह आतंकरोधी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक मास्टर राम प्रसाद, नफे सिंह खटकड़, प्रमिला प्राचार्य, विकास खटकड़, दलबीर सिंह और अन्य लोग मौजूद रहे। जींद से हमारे संवाददाता सनीनाथ योगी की रिपोर्ट। प्रिंसिपल शिवानिया पब्लिक स्कूल उचाना, आज का जो दिवस है वह टेररिज्म के एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया गया है और खंड उचाना का ये फंक्शन आज हमारे विद्यालय में हुआ। बीओ मैडम ने हमें इससे अवगत कराया और शपथ दिलवाई। यहाँ हमने बच्चों को प्रेरित किया कि किस प्रकार से देशभक्ति में वो लबालोब रहें और आतंकवादी विरोधी जो गतिविधियाँ हैं उनका साथ ना दें, हमेशा अपने देश के हित में सोचें। यहाँ हम बीओ मैडम का भी धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने यह फंक्शन हमारे विद्यालय में करवाया और हमें शपथ दिलवाई। जो चीज़ें कई बार छूट जाती हैं वो दोबारा रिवाइज कराई, तो हम मैडम को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम बच्चों में यह भावना और भरेंगे और इनके द्वारा दिलाई गई शपथ पर पूरा अमल करेंगे। धन्यवाद। देवी खंड शिक्षा अधिकारी उचाना, आज का जो दिवस है आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है कि जो आतंकवाद है वो राष्ट्रहित में एक बहुत ही बड़ा दुश्मन का कार्य करता है, यानी कि आतंकवादी विरोधी जो ताकते हैं जो हमारे भोले भाले नौजवानों को बरगलाकर मतलब इसमें शामिल करती हैं, इससे देश का नुकसान होता है। तो इस दिवस को सभी विद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में मनाया जाता है ताकि बच्चों को पता चले कि आतंकवाद क्या है और इसका विरोध क्यों करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे भोले भाले होते हैं और वो थोड़े से लालच में आतंकवाद में यानी कि बुरी उसमें गलतियों में आ जाते हैं और इस आतंकवाद में शामिल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विद्यालयों में मनाने का उद्देश्य इसका यही है कि बच्चों में राष्ट्रहित के संस्कार डाले जाएं और आतंक विरोधी जो दिवस है वो मनाकर हम बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। थैंक यू।